हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही खास नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और घरेलू है, जो आपकी स्किन की डार्कनेस को, कालेपन को दूर करके आपके चेहरे को ब्राइट बना देगा। ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को, सन टैनिंग को और जो चेहरे पर कालापन हो जाता है, यानी कि जो झाइयां हो जाती है, उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप घर पर बड़ी आसानी से और वो भी कम समय में इसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही, यानी कि कर्ड। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच दही। दही हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये हमारे कालेपन को और सन टैन को और हमारे चेहरे पर जो झाइयां हो जाती हैं उसको रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो इसमें फ्रेंड्स हम लगभग 2 चम्मच दही लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में लेंगे हम एक मीडियम साइज का टमाटर, यानी कि टमाटो। इस तरीके से आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। हम इसका केवल आधा पार्ट ही यूज करेंगे, हमें इसका जूस चाहिए। इस तरीके से अच्छे से स्क्यूज करते हुए इसका सारा जूस निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, टमाटर के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी स्किन को गोरा और सुंदर बनाता है और आपके चेहरे पर जो झाइयां हो जाती हैं, जो दाग धब्बे हो जाते हैं, जो टैनिंग हो जाती है, उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। टमाटर का जो बचा हुआ पार्ट है, हम इसको आगे यूज करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से आपको इसका यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इनको मिला लेंगे। अब इसके बाद में आपको लेना है 1 चुटकी नमक। नमक जो है आपकी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करने में काफी हेल्प करता है और हमारे चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे चेहरे पर डस्ट जमा हो जाती है, जो गंदगी जमा हो जाती है पोर्स में, उसको भी ओपन करके उन सभी गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। नमक दही के साथ मिलकर एक मैजिक की तरह काम करता है, जो हमारी स्किन पर जो सन टैनिंग हो जाती है, जो झाइयां हो जाती हैं, उसको रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। आपको इतनी ही क्वांटिटी में चीजें यूज करनी है जितनी मात्रा मैंने यूज की है। अब इसके बाद में आपको लेना है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। हम इसमें 1/2 चम्मच बेसन यूज करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। बेसन एक स्किन वाइटनिंग का काम करता है, जो कि हमारे चेहरे पर जो कालापन हो जाता है उसको भी रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट लुक देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये सारी चीजें नेचुरल हैं, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से ये अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा बचा हुआ पार्ट था टमाटर का, उसमें इस तरीके से डिप करके या फिर इसमें इस तरीके से टमाटर को फिलअप करके अपने चेहरे पर इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से रब करते हुए इसे यूज करना है। इसको अपने गर्दन पर, जहाँ पर भी आपका कालापन है, वहाँ सभी जगह पर आप इसे यूज कर सकते हैं। ये एक बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल नुस्खा है। इस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे पर और जहाँ पर भी आपको यूज करना है, इस तरीके से रब करते हुए इसको 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से रफ करना है। तो फ्रेंड्स, रफ करने के बाद में इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है और फिर उसके बाद में आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है पहले से बेहतर होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको वीक में 2 से 3 बार यूज करिए, इसके आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव और असरदार नुस्खा है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मेरा खुद का जमाया हुआ नुस्खा है। तो फ्रेंड्स, सचमुच में आप इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर से कालेपन को, अपने सन टैनिंग को, झाइयों को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। अगर इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी लोग इसका फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू नुस्खे लाती रहूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।